बार डायग्राम बेटे, जहां पर हमें एक ही वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यूज को रिप्रेजेंट करना होता है, देयर वी मेक यूज ऑफ सिंपल बार डायग्राम। ठीक है, सो लेट्स राइट डाउन वन क्वेश्चन। प्रेजेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, प्रेजेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बार डायग्राम। You are given time series, exports given है आपको इंडिया के रुपीज लाख में different years में। Are you noting it down? 40, 80, 65, 40, 100. Simple bar diagram can be made in two ways. We can make vertical bars, we can also make horizontal bars. ठीक है, लेकिन common mode जो है वो vertical bars का ही होता है। वर्टिकल बार्स यानी हम लेंथ इस तरह से बनाते हैं, वैल्यू जो है वो इस एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर लिखते हैं। अगर हमें हॉरिजॉन्टल, मैं थोड़ा सा एक फॉर्मेट सा बना के बता देती हूँ। वर्टिकल बार आपने पहले भी बनाए हैं, देखते भी हो, वर्टिकल बार ही दिखाई देते हैं। ये वर्टिकल बार है, सच टाइप ऑफ, आप इधर वैल्यूज लिखते हो, इधर ईयर्स, ठीक है, सॉरी इधर ईयर्स और इधर वैल्यूज, These are horizontal, ठीक है। आपको अगर वर्टिकल बनाना है तो आपको वेरिएबल y एक्सिस पर लिखना पड़ेगा, अगर आपको हॉरिजॉन्टल बनाना है तो आपको वेरिएबल की वैल्यूज x एक्सिस पर लिखनी पड़ेगी। सो हेयर वी आर ड्रॉइंग वर्टिकल बार डायग्राम। कुछ चीजें आपको क्वेश्चन पढ़ते ही, अगर आपको आया बार डायग्राम का क्वेश्चन, कुछ चीजें आपको डिसाइड करनी पड़ेंगी। सबसे पहले y एक्सिस का स्केल क्या लेंगे, हाउ डू वी टेक द स्केल, कीपिंग इन टू माइंड द डेटा, ये जो डेटा है किसके मल्टीपल्स हैं, 5 के है इसके ऊपर। बेटे अगर हम 5 का स्केल ले लेते हैं तो 20 वैल्यूज 100 तक जाएगा, डायग्राम बहुत लेंथी हो जाएगा। So, is 5 suitable? Next, 10 or 20. So, most of them are the multiples of 20. जो नहीं है वो भी हम easily उसके half में, mid में ले सकते हैं। तो 20 का scale ले लें, ठीक है। तो scale लेने से पहले एक, वैसे हमारी tendency क्या होती है, मैं भी जब बनाती हूँ diagram, मेरी tendency यही होती है, मैं नीचे से स्टार्ट करती हूँ स्केल। जो स्केल डिसाइड किया उसका टेबल लिखना होता है पहली बात, यही माइंड में रखना। 20 का स्केल लिया, 20 का टेबल लिखना है। 20 का टेबल किससे स्टार्ट होगा, 20 कहां तक जाएगा, हाईएस्ट वैल्यू। अगर 5 का स्केल लेना है तो 5 का टेबल, मतलब 5 से स्टार्ट करना है उसको, 20 से स्टार्ट करके फिर नहीं 25-30 लिखना, जिसका टेबल है वहीं से स्टार्ट करना, ठीक है। अब मैंने कहा नॉर्मली हमारी टेंडेंसी होती है, हम ऐसे लाइन बनाते हैं, यहां से लिखना शुरू करते हैं, 20, 40, 60, 80, ठीक है। आप अगर आप कोई भी मिस्टेक अवॉइड करना चाहते हो तो आप कोशिश करो कि आप ऊपर से लिखना शुरू करो स्केल, ऐसे 100, 80, 60, 40, 20, 0, ठीक है। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, मैं बस अपना एक शेयर कर रही हूं एक्सपीरियंस, कि इससे गलती के चांसेस कम होते हैं, बाकी इट्स योर विश। यहां पर हमने क्या लिया है, एक्सपोर्ट्स,
किसमें लिया? रुपीस लैक्स में। ये वाई एक्सिस है हमारा, ये हमारा एक्स एक्सिस। यहां पर क्या लेंगे? इयर्स। चलो इयर्स टाइम है, इयर्स। हाउ मेनी इयर्स आर देयर? फाइव इयर्स। तो इसका मतलब फाइव बार बनेंगे, इक्विडिस्टेंट होने चाहिए, सेम विड्थ के होने चाहिए। तो 1 सेंटीमीटर के बना ले और 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ दो। अगर ऐसा करना है तो सबसे पहले यहां पर स्केल रखकर पॉइंट्स 1 सेंटीमीटर के बाद पॉइंट्स लगा लो। साथ साथ बनाते जाओ बेटे, स्केल नहीं होगा। सबसे पहले 2010 वैल्यू कितनी है? 40। सो पहले गैप छोड़ देंगे, दो लाइंस 40 तक, ऊपर से जॉइन कर देंगे, नीचे यह लिख देंगे 2010, ऊपर इसकी वैल्यू लिख देंगे 40। सेकेंड 80, अगेन स्केल रखेंगे 80 तक, जॉइन कर देंगे ऊपर, 80 लिख देंगे, ईयर है 2012। सो बिकॉज हेयर आई एम नॉट यूजिंग स्केल, सो द डिस्टेंस माइट बी लेस और मोर, बट योर्स शुड बी द सेम। देन 60 और 80 के मिड में आता है 70, 60 और 70 के मिड में आएगा 65। फोर्टीन। देन 2016 40, लास्ट इज 100। Exports of India in rupees lakhs, semicolon डालने के बाद लिख दो 2010 to 2018। Same data, yes बच्चे, has now been represented in the form of simple bar diagram, but here the bars are horizontal. Done. Let me know once you have done it. Multiple bar diagram is another type of bar diagram. It is
Then you are given exports. Exports are given in rupees crore. Imports again in rupees crore. You don't have to study both parts, right? Okay. So first thing is to find is about the scale. The scale here. Values देखो variable की. Most of them are the multiples of 10 as our scale. Okay? 100 तक जाएगा. की जरूरत नहीं है यहाँ पर. मिनिमम वैल्यू 56 है, 100 तक वैल्यूज है, ठीक है. बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो ऐसे हो ना 110, 120, 130 ये वैल्यूज हो तो 0 और 100 का गैप, मिनिमम का गैप ज्यादा है, फिर 10 के मल्टीपल्स फिर डालो. 50 है फाइन, डालना डाल लो, आज जरूरत नहीं है, नहीं भी डालोगे इवन डैमेज. यहाँ पे हमारा जो एक्स एक्सिस है, क्योंकि हर ईयर के बेटे दो बार बनने हैं, तो इसके लिए आप एक काम करो, मल्टीपल में कभी भी गैप ज्यादा नहीं छोड़ो, 1 सेंटीमीटर के बार बना लो और 1/2 सेंटीमीटर का गैप छोड़ो, ठीक है, नहीं तो आपका डायग्राम पेज से बाहर ही जाता लगेगा.
तो जब आप यहाँ पे स्केल रखोगे टू बातें फर्स्ट पॉइंट और हाफ सेंटीमीटर देन वन अगेन हाफ वन वन Yes, Harleen. Now you have started. Where we have taken exports and imports. Where we have taken years. यहाँ पर x लिखना है यहाँ पर y लिखना है एंड्स क्लोज करने हैं यहाँ तक हो गया अब प्लॉट करते हैं ड्रॉ करते हैं 56 ये 50 और 60 के बीच में 56 इसी ईयर का इंपोर्ट है 16 तो इसी ये वाली बॉल यूज करेंगे इसको 60 तक सेंड कर देंगे एंड आफ्टर टाइम 16 राइट Then keep gap of half centimeter 80 and 72. 80 72 हाँ बेटे बाद में distinction करनी है करना ही है जरूरी है 85 and 75. 85, 75. नीचे अब यहां से कुछ पता नहीं चल रहा कौन सा एक्सपोर्ट है कौन सा इंपोर्ट क्या करेंगे डिफरेंशिएट ए को शेयर कर दो अब इतना पता चल गया उनमें से एक एक्सपोर्ट है कौन सा एक्सपोर्ट है कैसे पता चलेगा इंडेक्स यहाँ पर राइट हैंड साइड बॉटम में इंडेक्स जिसमें एक बॉक्स
शेडेड और दूसरा नॉट शेडेड, शेडेड को एक्सपोर्ट को और इसको इंपोर्ट. What is missing in this diagram now? Title. So give the title. Multiple bar diagram showing export and import of India semicolon 2014-2018. So once it's over, you have to check these parameters. Title number one, tabling number two, index number three, shading. Index shading ke baad. This was multiple bar diagram.